नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट पर। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है आपके सिपाही परीक्षा के रिजल्ट को लेकर और दरोगा भर्ती के रिजल्ट को लेकर। बहुत बड़ी न्यूज आई, आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप यूपीपी के अभ्यर्थी और चाहते जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी बन के आ रही होगी उसको दबाना ना भूलें। आइए आपको पूरी अपडेट दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि आज का अमर उजाला पेपर है, आपको डेट दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ 28 फरवरी 2019। जैसे आप ओपन करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए पूरा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 3307 दरोगाओं का आज परिणाम। दरोगा के 3307 पदों पर भर्ती का अंतिम चरण चयन परिणाम बृहस्पतिवार को जारी किया जाएगा। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 17 जून 2016 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रवृत्ति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इनमें नागरिक पुलिस के उप निरीक्षक के 3000 पद हैं। इनमें 2400 पद पुरुषों के, 600 महिलाओं के हैं। इसके अलावा 210 पद प्लाटून कमांडर पीएसी और 97 पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं। इन पदों के लिए 6,30,926 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं सिपाही भर्ती का रिजल्ट अक्टूबर 2018 का परिणाम मार्च के पहले सप्ताह में आ सकता है। जी बड़ी अपडेट आ गई है, आपका जो जो रिजल्ट है वो मार्च के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली। आपको पूरी, अगर आपको ऑफिशियली नहीं दिखता है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं रिजल्ट। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।